हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे झारखंड में 72,000 टीचरों की वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूं। तो यहां पे जैसे कि मैं पहले आपको बता देती हूं कि जो लोग सी टेट पास थे उसे यहाँ पर कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं मिलेगी। आपका सी टेट हुआ या फिर एक रद्दी का कोई कागज़ हुआ, यहाँ पर आपको जे टेट क्वालिफाइड करना है रहे, उसके बाद आपका गवर्नमेंट टीचर में जॉब लगेगा। ये बात आपको क्लियर होती है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे पिछले 5 वर्षों से हमारे झारखंड में कोई भी टीचर की पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जैसे कि हम पहले सी टेट में एग्ज़ाम देते थे कि अगर हमारा जो है किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आ जाता है लेकिन टोटल मिला के हम वहाँ पर 90 नंबर ला देते हैं तो वहाँ पे हमें पास कर दिया जाता है। 60% अगर हमारा आ जाता है तो वहाँ पे हमें पास कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट में उसका जो पासिंग मार्क्स है उससे लाना होगा, तब हमें यहाँ पे पास करेगा। अगर किसी में कम और किसी में 0 आ जाता है तो हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो हमारे जो झारखंड में जो टीचरों की वैकेंसी आने वाली है उसमें जो पात्रता परीक्षा लेगी वहाँ पे हमारा जो है जे टेट पास होना चाहिए, यानी कि जे टेट हम क्वालिफाइड करेंगे तब हम यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। सी टेट को वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। और हम बताते हैं कि दूसरे स्टेट के क्या यहाँ पे मेरे झारखंड में भर सकते हैं, तो हम बताते हैं कि भर सकते हैं। उनके लिए 10% रिजर्व सीट रहेगा क्योंकि हम तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में ये सारे इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इसकी जो है वो 72,000 टीचरों की वैकेंसी को कब निकालेगी। तो इस सारे इन्फॉर्मेशन को मैं आज क्लियर करूँगी। और ये जो है पेपर का कटिंग है, कोई भी मैं आपको फेक न्यूज़ नहीं देती हूँ। तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सारी बात को क्लियर करती हूँ कि ये एग्ज़ाम कब लेगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, हमारा कितना नंबर लाने पे हम पास हो सकते हैं, इसमें जो टोटल हमारा जो मन में डाउट होगा वो सारे मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले सी टेट की जैसा ये जे टेट नहीं है, जैसे कि जो हमारी सरकार है वो पारा टीचरों ने ही उनसे बनाया है। तो जो पारा टीचर का जो बिहार के बेसिस पे एग्ज़ाम होने वाला था उसको नहीं लिया जाएगा वहाँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पारा टीचरों को अस्थाई करना चाहती है और यहाँ पे 72,000 गवर्नमेंट टीचरों की बहाली करने वाली है, जल्द ही आने वाली है। 2021 ख़त्म होने वाला है, 2022 आते ही इस वैकेंसी का आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है ये जनवरी में ही ये वैकेंसी आ जाए। और पिछले 5 वर्षों से नहीं होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टीचरों की बहाली होने वाली है और जो लोग बीएड में अपीयर हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितने परसेंट में हमें पास करा जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि जनरल के लिए यहाँ पे 60% हम लाएंगे तब यहाँ पे पास होंगे, ओबीसी के लिए 55% लाते हैं तब पास होते हैं, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50% हम लोग मार्क्स लाते हैं तब यहाँ पे हमें पास कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पे हमें हर सब्जेक्ट में पास होना होगा, एक सब्जेक्ट में अगर हम 0 लाते हैं दूसरे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो यहाँ पे हमें फेल कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अब सभी विषयों में लाना होगा न्यूनतम अंक, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है राज्य में वर्ष 2012 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पहली नियमावली बनाई गई थी, पहली नियमावली में सभी विषयों को मिलाकर पास मार्क्स लाने का प्रावधान था, इसके बाद 2019 व 2021 में अब इसमें संशोधन किया गया, यानी कि नियमावली में अमेंडमेंट किया गया और यहाँ पे बनाया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट में उसका पासिंग मार्क्स लाके हम लोग को पास होना है। तो यहाँ पे थोड़ा टफ हो चुका है क्योंकि अगर हमारा कोई सेक्शन वीक रहता है और कोई अच्छा रहता है तो हम लोग इससे कवर कर लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आ जाती है कि सारे सब्जेक्ट में हमें पास होना जरूरी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी शिक्षा मंत्री ही ऐसी है, तो चलिए अब इसको लेकर ही हमें चलना होगा। तो यहाँ पे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ जो भी सी टेट पास किए हुए हो अगर ये वैकेंसी आती है तो वहाँ पे उनके लिए कोई भी
खुशी की बात नहीं होती है, क्योंकि उनको यहाँ पे जेटेड देना ही होता है, क्योंकि सी टेट पास करना या नहीं करना आपके लिए यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप सी टेट पास हो तो भी आपको जेटेड क्वालिफाइड करना होगा, और जो लोग सी टेट पास नहीं हो उन्हें तो जेटेड पास करना ही होगा। अरे तो ये सारी बात आपको क्लियर हो चुकी है, तो जल्द ही आने वाली है हमारे झारखंड में ये बहाली, 72,000 टीचरों की बहाली आने वाली है। तो हमें अभी से अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, हमें अपने सारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं वो टीचर के ही फॉलोवर्स हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका प्रिपरेशन हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको टाइम दीजिए, और उसे भी कवर कीजिए, जो सेक्शन वीक हो उसे भी आप अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी, या फिर आप खुद से इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। और कुछ लोगों ने पूछा था कि कोई कोई जगह का मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसका मेरिट लिस्ट जैसे ही आता है अलग अलग जगह का, मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो जैसे ही एक दो दिन में आने वाला है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी उसकी।